तो लीजिए दोस्तों, अब हम भी बना सकेंगे हलवाई जैसी रबड़ी बहुत ही आसान तरीके से, और वो भी घर पर। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे मसाला मैजिक किचन में। तो आज मेरे यहाँ पे बनने वाली है लच्छेदार रबड़ी। जी हाँ दोस्तों, देखते ही मुंह में पानी आने लग गया ना आप लोगों के। तो जी हाँ, ऐसे ही लच्छों के साथ मलाईदार रबड़ी आप घर पर बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें मैंने ना तो कोई ब्रेड का इस्तेमाल किया, ना ही कोई खोया और ना ही कोई मिल्क पाउडर लिया है। बहुत ही सिंपल और एक ईजी ट्रिक के साथ मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है पीतल की कढ़ाई। पीतल की कढ़ाई मैंने यहाँ पे इसलिए ली है क्योंकि जो उसका बेस होता है, जो उसका तला है, वो थोड़ा मोटा होता है, जिससे हमारा दूध चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें दूध को ऐड कर दिया है। मैंने दूध को पहले भी एक बार उबाल दिए लाया था, तो इसमें देखिए मलाई भी आपको दिख रही होगी, तो मैंने वही दूध यूज़ लिया है। अगर आप चाहें तो कच्चा दूध लेके उसको अच्छे से उबाल दिला सकते हैं। और इस तरह का एक चम्मच लेकर हमें करछी को धीरे धीरे चलाते रहना हमारे दूध में, जब तक एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए, हमारे दूध में अच्छे से उबाल आने लग गया है। तो अब हम धीरे कर देते हैं हमारे गैस को एकदम लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारी जो रबड़ी है वो अच्छे से गाढ़ी और अच्छे से पककर तैयार होने लगे। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, जैसे जैसे हमारे दूध में इस तरीके से मलाई आए, तो उसको आपको साइड करते हुए आपकी कढ़ाई के साइड के ऊपर चिपकाते रहना है। देखिए इस तरीके से। तो जितने हमारा दूध उबल रहा है, उतने हम कर लेते हैं छोटी सी तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कुछ केसर की पत्तियाँ ले लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच दूध ऐड कर इसको साइड में रख दिया, ताकि हमारे रबड़ी में हम जब इसको ऐड करेंगे तो केसर का फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आने लगेगा। तो देखिए, मैं धीरे धीरे करके मलाई चिपकाती जा रही थी साइड में। ये देखिए, आपको दिख रही होगी जो मैंने मलाई को साइड में स्टिक किया है, इस मलाई का ही हम इसमें यूज़ करेंगे इसको एकदम लच्छेदार और गाढ़ी बनाने के लिए। आप चाहें तो बीच बीच में अपना और कोई दूसरा भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पीतल की कढ़ाई है, इसकी वजह से हमारा दूध बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। आप थोड़ी थोड़ी देर में एक हाथ इसमें चलाते रहिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हमारा केसर वाला दूध। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा दूध उबलेगा, केसर के पत्तियों का जो रंग है वो निखर के हमारी रबड़ी में आने लगेगा। कि फ्रेंड्स, जो हमने मिल्क लिया था, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। अभी तक हमें इसको और पकाना है। तो जितने हम क्या कर लेते हैं, जो मलाई हमने साइड में स्टिक करी थी उसको स्क्रैच करके हमारे मिल्क में हम ऐड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अभी तक की रेसिपी मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, जिससे हमारी रबड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा दानेदार और लच्छेदार बनेगी। तो वो है ये देखिए, काजू और बादाम, जो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। और कोई भी मिठाई में इसको हम ऐड करें तो हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 5-6 काजू और 5-6 बादाम ले लिए थे। उनको मैंने ग्राइंड करके ऐसा इसका चूरा सा बना लिया है और हमारी रबड़ी में मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, इसको ऐड करने से हमारी जो रबड़ी है बहुत ही ज़्यादा दानेदार और सुपर फ्लेवर के साथ बनती है। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी 1/3 नहीं हो जाए। तो मैंने सारी मलाई को स्क्रैच करके दूध में ऐड कर दिया है, और आपको दिख रही होगी क्वांटिटी हमारे दूध की पहले से कम हो चुकी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बस 5-7 मिनट की देरी और हमारी रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार होने वाली है। तो इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं 3 चम्मच शुगर। अगर आपको एक्स्ट्रा मीठा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद जो हमारी रबड़ी है वो गाढ़ी जल्दी से होने लगेगी और आपको पकाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो पर ध्यान रखना है, चीनी को हमें एंड में ही ऐड करना है, शुरुआत में ऐड नहीं करना है, वरना हमारा दूध भी फट सकता है। ठंडा होने के बाद धीरे धीरे ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। लास्ट फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी सुपर टेस्टी बनकर तैयार है। अब इसको आप ठंडा होने दीजिए। ये देखिए, दिख रहे हैं ना दाने, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे ये और ठंडी होगी और रेफ्रिजरेट होगी, ये और भी दानेदार और लच्छेदार हो जाएगी, हलवाइयों की रबड़ी को भी सब पीछे छोड़ देगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आज ही बनाइए और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रबड़ी की रेसिपी कैसी लगी। मैं तो दोस्तों इस रबड़ी की फ़ैन हो चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुपर बनती है। कोई भी आप चीज़ के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे गुलाब जामुन, चाहे मालपुआ या फिर गोंद का तीरा, सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा सुपर लगती है। आप इसको चाहें तो व्रत में भी इंजॉय कर सकते हैं, पूजा में भी रख सकते हैं, और इसका मज़ा लेने के लिए इसको हफ्ते भर तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि जब कभी भी मन हो रबड़ी खाने का तो फ्रिज खोला, निकाला और खा लिया। तो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान सी ट्रिक्स, मीठे के साथ फ़ायदा भी। तो फ्रेंड्स, इसको जाइए और बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं तो चलती हूँ ठंडी ठंडी मेरी रबड़ी को इन्जॉय करने की तरफ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, इन्जॉय।